सर जवाहर सिंह पब्लिक स्कूल की जमात छेवीं दे सारे बच्चों नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, अज असीं तुहाडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक लहर विच पढ़न जा रहे हां पाठ 17, जिसका सिरलेख है बाबा फरीद जी। इस पाठ विच प्रसिद्ध सूफी संत अते कवि बाबा फरीद जी बारे जानकारी दित्ती गई है। इस पाठ विच उन्हां दे जन्म, गद्दी प्राप्त करन अते रचनावां बारे भी दस्या गया है। इस दे नाल ही उन्हां दीआं सिक्ख्यावां भी दित्तियां गईआं हन। हुण पाठ शुरू करदे हां। शेख बाबा फरीद जी का जन्म 1173 ईस्वी में मुल्तान के एक पिंड कोठीवाल विच होया। उन्होंने पिता जी का नाम शेख जमालदीन ते माता का नाम करसूम सी। शेख फरीद जी का जन्म बड़ा सरल ते गरीबी वाला सी। बाबा फरीद जी के चार विआह होए। इन्हों चारा विआहां विचों हजूरबा ने 5 लड़कियां ते 3 लड़कियां नूं जन्म दिता। बाबा जी के पुत्र खेतीबाड़ी का धंधा करते सन। एक पुत्र सरकारी नौकरी करता सी। कुछ पुत्र इस उम्मीद विच सन कि आप जी की गद्दी खानदानी तौर पर उन्होंने मिल जाएगी। बाबा जी ने अंतिम समय निजामुद्दीन मौलिया नूं गद्दी सौंपी। जदों बाबा फरीद जी अपने माता पिता ते अपने उस्ताद सैयद नज़ीर अहमद नाल हज करन लई मक्के गए तां उत्थों आउंदिआं समें उन्हां दे माता पिता जी ने उन्हां नूं सूफी ख्वाजा गरीब निवास दे दर्शन करन वास्ते भेजिआ। उस समय बाबा जी दी उम्र 16 साल दी सी। दिल्ली विच रहिंदे समें बाबा जी सूफी फकीर ख्वाजा कुतबुद्दीन बख्तियार काकी दे कोल गए ते उन्हां दे सेवक बन गए। बाबा जी दी तपस्या, साधना, पवित्र जिंदगी, सादी रहनी बहनी नूं देख के कुतबुद्दीन बहुत प्रसन्न होए। 1235 ईस्वी विच कुतबुद्दीन जी ने अपनी गद्दी अंतिम समा जाण के बाबा फरीद